नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेष्ठा सागर तावर हूँ। मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक्स में कंसल्टेंट हूँ। सो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि इक्सी क्या होता है। सो इक्सी एक टेक्निक है IVF की, जिसमें हम एक गुड क्वालिटी स्पर्म को लेते हैं और उसको एक गुड क्वालिटी एग में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन का चांस ज़्यादा हो जाता है और हमारे पास एक गुड एम्ब्रियो होता है प्रेगनेंसी के लिए। IVF की नेचुरली दो टेक्निक्स होती हैं, जिसमें एक टेक्निक को हम कन्वेंशनल IVF कहते हैं और एक टेक्निक को इक्सी कहते हैं। इक्सी में अगर हमारे पास स्पर्म्स बहुत कम नंबर में भी हैं तो भी इक्सी किया जा सकता है, बट IVF के लिए हमें 50,000 से 1,00,000 स्पर्म्स तक रिक्वायरमेंट होती है। दुनिया का पहला IVF बेबी जो कि इक्सी टेक्निक से पैदा हुआ था वो 1989 में हुआ था, जिसमें डॉक्टर ज्ञान पियरे का एफर्ट था। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस कि जिस केसेस में हमें इक्सी को अपनाना चाहिए। ऐसे पहली कंडीशन है कि जिसमें अंडे की आउटर लेयर बहुत ज़्यादा थिक होती है या बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। दूसरी कंडीशन, ऐसे पुरुष जिनमें शुक्राणुओं की नंबर या उनकी चलने की क्षमता में प्रॉब्लम होती है, उसमें इक्सी एक अच्छी तकनीक है। ऐसे पेशेंट्स जिसमें कि स्पर्म काउंट निल होता है, जिसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें कि स्पर्म्स को सर्जरी के थ्रू टेस्टी से डायरेक्टली निकाला जाता है, उस कंडीशन में भी इक्सी एक अच्छी तकनीक है। दूसरी कंडीशन होती है जिसको कहते हैं टेराटोजोस्पर्मिया, जिसमें एबनॉर्मल स्पर्म्स बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इक्सी टेक्निक को अपनाकर बेस्ट स्पर्म्स को उठाकर एम्ब्रियो प्रिपेयर कर सकते हैं। वो मरीज़ जिनमें प्रीवियस साइकिल में कन्वेंशनल IVF अपनाया गया था और फर्टिलाइजेशन फेलियर हुआ था, ऐसे लोगों को इक्सी से बहुत फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग जिसमें कि स्पर्म्स एग्स के पास अटैच होने के लिए सक्षम नहीं होते, ऐसी कंडीशन में भी इक्सी कारगर होता है। HIV डिस्कॉर्डेंट कपल्स जिसमें कि एक पार्टनर HIV पॉजिटिव है, एक पार्टनर नहीं है, ऐसी कंडीशन में इक्सी टेक्निक से के थ्रू एग के चारों तरफ शुक्राणुओं की संख्या को कम किया जा सकता है। PGT टेस्ट मींस प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, इस कंडीशन के लिए भी इक्सी बेहतर टेक्निक है, क्योंकि उसमें मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होता है। वो पुरुष जिनमें की कीमोथेरेपी दी गई है किसी भी कार्सिनोमा के लिए या किसी कैंसर के लिए, ऐसे लोगों के लिए भी इक्सी बेहतर ट्रीटमेंट होता है, और स्पर्म डोनेशन साइकिल में भी इक्सी बेहतर है। सो फर्टिलाइजेशन का कितना परसेंट चांस होता है अगर हम इक्सी में जाते हैं? तो अगर हम इक्सी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो 50-80% तक फर्टिलाइजेशन रेट होता है, और ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट की क्षमता पर भी डिपेंड करता है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो इक्सी के थ्रू आ सकती हैं? इक्सी करने से कभी कभी एग्स को डैमेज हो सकता है अगर एम्ब्रियोलॉजिस्ट की क्षमता उतनी नहीं है, और कभी कभी अनएक्सप्लेन भी होता है। इसके साथ में मैं अपना आज का टॉपिक समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।